प्रधानमंत्री जी और मोदी जी ये नहीं बोले कि 1,00,000 करोड़ का कर्ज लेकर भाग जाने वालों को हमने क्यों नहीं रोका। वो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है जिसने 3 आंकड़े लिखे, आप अथेंटिक आंकड़े बता रहा हूं मैं, जिसने 3.17 लाख रुपए हिंदुस्तान के मुट्ठी भर पूंजीपतियों के बैंकों के कर्ज को माफ किया है। वो मात्र 3.6 लाख रुपए के खर्च पर आपत्ति उठा रही है कि ये पैसा लेकर कहां से आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह पैसा राहुल गांधी जी देश की अर्थव्यवस्था में ही आमूलचूल परिवर्तन करके गरीबों को इस महती योजना का लाभ दिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब गरीबों की याद कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने दलाली पूंजीपतियों की राफेल सौदे में 30,000 करोड़ रुपए का लाभ अंबानी को दिलवाया, ऑन रिकॉर्ड है। अब चुनाव के वक्त पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री गरीबों की बात कर रहा है। गरीबी किसके वक्त पर दूर हुई? हम कुप्रचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से नहीं जी सकते, मगर सच्चाई के लिए आप लोग बैठे, हमारे पास सोशल मीडिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 आया, उसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान गरीबी काफी कम हुई थी। जो आजादी के समय 70% गरीबी हुआ करती थी, 2011-12 यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान वह घटकर मात्र 22% तक आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी कौन से गरीबों की बात कर रही है, किन गरीबों की बात कर रही है, तो हम लोग आपके माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहेंगे कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा लाई गई मनरेगा योजना, जिससे आज खुद सरकार स्वीकार कर रही है कि 14 करोड़ गरीबों को लाभ हुआ, उसका विरोध देश की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने संबोधन में किया था बजट सत्र के दौरान। गरीबों के लिए राइट टू फूड योजना हम लेकर आए, उसका इन्होंने विरोध किया। राइट टू एजुकेशन का इन्होंने विरोध किया, आरटीआई का विरोध किया। आरटीआई में तो जब देश की पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट से उसके संशोधन को करवा लिया ताकि भ्रष्टों को बचाया जा सके। वनाधिकार कानून का उन्होंने विरोध किया। भूमि अधिग्रहण कानून, जिसके तहत यूपीए सरकार ने वायदा किया था कि पीएम किसानों की भूमि को अधिग्रहित करेंगे तो बाजार मूल्य से उन किसानों का हम पैसा देंगे, उसका भी विरोध प्रधानमंत्री जी ने खुद पार्लियामेंट में किया था। तो ये वो सरकार है जो झूठ बोलती है। हमने नहीं कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान, फिर भी सोनिया गांधी जी के निर्देश पर 72,000 करोड़ रुपए किसानों का इस देश में हमारी यूपीए सरकार ने माफ किया था, और 11,080 करोड़ रुपया जो नाबार्ड के माध्यम से हमने शिवराज सिंह की सरकार को दिया था विधानसभा में तत्काल। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।